प्रदेश में सभी नगरीय निकाय जुलाई माह के अंत तक स्मार्ट राज योजना के तहत काम करना शुरू करेंगे। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को एलएससीजी सचिव सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। स्वायत्त शासन भवन में आयोजित इस बैठक में स्मार्ट राज योजना की समीक्षा की गई और इसी दौरान सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 33 स्थानीय निकाय हाईटेक रूप से काम कर रही है और शेष सभी निकायों को भी हाईटेक बनाने के लिए जुलाई तक का समय दिया गया और इसके बाद सभी निकायों में लगभग सभी प्रकार के कार्य ऑनलाइन माध्यम से हो सकेंगे। महाजन ने यह भी बताया कि स्मार्ट राज योजना के लागू होने से अब जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ट्रेंड लाइसेंस, एनओसी सहित सभी प्रकार के प्लान अप्रूवल के कार्य भी ऑनलाइन के माध्यम से होंगे और इसी दौरान बैठक में डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा सहित सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तैतीस लोकल बॉडीज़ जो है वहाँ पे हमारा स्मार्ट राज का सिस्टम ऑपरेशनल हो गया है और 41 लोकल बॉडीज़ ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने हार्डवेयर वगैरह प्रोवाइड करा दिया और अभी वहाँ पे मैन पावर लेके ऑपरेशनल कर देंगे। इनको हमने जुलाई के आखिर तक का टाइम दिया है और हमारी कोशिश यही है कि जुलाई के आखिर तक हम अपनी सारी लोकल बॉडीज़ के अंदर स्मार्ट राज का पूरा सिस्टम ऑपरेशनल करा दें। इसमें ये होगा जहाँ जहाँ पर हमारा ऑपरेशनल होता जा रहा है वहाँ पर हम ऑफलाइन सिस्टम बंद करते जा रहे हैं और पब्लिक अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है, अपने घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकती है और वहीं से फिर हमारे लोग भी उसको अपना इंटरनली प्रोसेस करके ऑनलाइन ही, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे फायर की एनओसी हो, चाहे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हो, वो सब ऑनलाइन ही उनको घर बैठे बैठे।